इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन ना जाए। इमाम हुसैन सरकार अजादारों की हिफाजत, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सला, पूरे पंजाब से चुने हुए अजादार तशीफ फरमाए। मेरी शहजादी अब उतर पढ़न दे, मेहरबानी सबकी हाजिरी कबूल। मिर्ज़ा बिरादरान का ये सालाना फर्श अज़ा कायनात की मालकिन अपनी बारगाह कबूल। मिन्नत कर रहा हूँ जो बंदे बोल लेते हो ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे, पूरी दुनिया में हर मातमी को मातमी अज़ा। मेरे मालिक ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस आए। किस किस का मैं नाम लूँगा, पूरा पाकिस्तान पूरे पंजाब से अज़ाई चेहरे तशरीफ फरमाए हैं। मियाँ शान साहब से लेकर मुर्शिद नवीद शाह जी तक, मुर्शिद इमरान शाह जी से लेकर निगाह खान साहब तक, वो सारे अहबाब जो इस कारवान का हिस्सा हैं, नाम बनाम शहजादी सबको इज्जत है। मेरे बेटे एहसान गोंदल से लेकर सैफ तक और सैफ से लेकर आखिरी मातमी तक, मेरे अल्लाह इस जिक्र की इज्जत का वास्ता हम गुनहगारों को इस काबिल बना कि हम नुसरत मजलूम के कारवान में शरीक। दरूद पढ़ दें मिल के बुलंद, इजाज़त है एक बिस्मिल्लाह करा। एक तवील अरसे के बाद मैं कोई 18-20 साल के बाद कम से कम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस बारगाह में हाजिर खिदमत हो सका हूँ। बड़े लाड से इस मरतबा भाई नदीम ने मुझे हुक्म किया है और आपको सलाम करने का मौका मिल गया है। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, जितने जाकिर आप सुबह से सुन चुके हैं उतने और मौजूद हैं। ऐसी है ना, ऐसे में लंबा नहीं पढ़ना चाहिए। 12 नवंबर घोलापुर एहसान बेटे के पास बशरत ज़िंदगी, 29 अक्टूबर चक 81 सगवा बशरत ज़िंदगी ज़रूर हाजिरी देंगे, 17 अक्टूबर रत्तो काला जनाब ग़ुलाम बख्श पडियार साहब के यहाँ दिन भर मजलिस होगी, पूरे मुल्क के उलमा व ज़ाकिरीन आपको सलाम करेंगे। 21 रबीउल अव्वल चक खाना सियाल मोड़, चक खाना सियाल मोड़ जिए तो ज़रूर अलसलाम के पास आपको सलाम करेंगे। 14 रबीउल अव्वल यानी कल सऊ के सरगाना अजीज़ इमदाद के पास आपको सलाम करेंगे। 8 नवंबर कट्टी सईदा मुर्शिद इमरान शाह साहब के पास जनाब को सलाम करेंगे। मेरी नज़रिया पढ़िए, मुझसे हज़ार गुना बेहतर पढ़ने वाले लोग मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो गए। असगर साहब पहले से मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें और इज़्ज़त दें। जनाब फराज़ काजमी साहब, जनाब अली रज़ा शाह साहब, एक मोतबर नाम ज़िक्र मज़लूम की दुनिया का, मौला उन्हें और इज़्ज़तें अता फरमाए। मेरा बच्चा जनाब कामरान बी ए साहब, इतने लोगों के होते हुए ये नहीं बनता कि लंबा पड़ा जाए, प्लीज़ ठीक है ना। नहीं नहीं 30 नहीं 20 मिनट, फिर ज़िंदगी बाकी तो आते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। एक मुश्किल बात करनी है आपके सामने और 8 से 10 शेर पढ़ने है। इजाज़त मैं नौकरी शुरू कर दूँ, भी इज्जत दे। नवीद शाह जी एक मुश्किल जुमले से गुफ्तगू सकलैन शुरू कर रहा हूँ बेटा, कोशिश करना वो लोग जो मुश्किल बातें भी सुन लेते हो वो 10-12 मिनट मुझे बर्दाश्त। 14 में से कुछ कर्म ऐसे हैं, कम से कम 18 कर्म 14 में से ऐसे हैं जो उस करीम ने सिर्फ हुसैन के लिए। थोड़ा सा बेटा हाथ खोलता, थोड़ी सी देर हम जैसों के साथ भी थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ी सी देर भी आपको इज्जत। सलामत रहे, सदा आबाद रहो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सारे बंदे बोलो 14 का वास्ता, जो मेरी बात फॉलो करो, जो मेरी बात समझो। बेटा मुझे देख, तुझे देखने तो मैं इतनी दूर से आया था, बात समझ आ रही है बादशाह? मैं आखिर इमरान पीर निगाह खान मैं गुजारिश भी करता हूँ, 14 में से 18 कर्म ऐसे हैं जो उस बादशाह ने सिर्फ हुसैन पे किए।
एक बात मेरी मैशर की सुबह तक मिर्ज़ा साहब याद रखिएगा, फिर उसके बाद सैफ अली मूड बने तो बोलना, नहीं तो खैर है। 14 में मोहम्मद 4 हैं, अली 4 हैं, हसन 2 हैं। शाबाश, सर भी तो हिलाया ना तुमने, जुबान हिलाता। पहला मोहम्मद खुद मोहम्मद, दूसरा मोहम्मद मोहम्मद बाकिर, तीसरा मोहम्मद मोहम्मद तकी, चौथा मोहम्मद मोहम्मद कायम, पहला अली खुद अली, दूसरा अली अली ज़ैनुल आबिदीन, तीसरा अली अली रिजा, चौथा अली अली नकी, पहला हसन खुद हसन, दूसरा हसन हसन अस्करी, मोहम्मद 4 अली 4 हसन 2 हुसैन 1। शाबाश शाबाश, इन्हें नहीं आता हाथ उठाना, उनसे कोई तवक्को ही नहीं है। जिन्हें मेरी उर्दू समझ आ रही हो, जिन्हें बात समझ आ रही हो, वो जरूर मुझ पर एहसान करें। यदि अंदर अली वो बंदा बोले हाय अली, जियो जियो जी मेरा पुत्र गाजी इस्तानेल, बीबी आपको इज्जत दे। थोड़ा सा करम फरमाते हैं, आप यहाँ आते हैं 5-7 मिनट आपके चाहिए, विद सॉरी माजत, मैंने आपको भी आराम किया। बीबी आपको इज्जत दे, एक उम्र का साथ है मेरा अली भाई के साथ ना, इसमें 2-3 शेर ऐसे हैं जो मैं उनकी नज़र करना चाह रहा था। माजद आपको भी आराम किया, बीबी आपको इज्जत दे। बात मेरी समझ आ रही है? बाबा नवीद शाह जी सब तो छोटा जाकिर है इमाम हुसैन बादशाह दा, ए अली बादशाह जिक्र ते मेरा हाथ है, अगला सान आवे जे मैं झूठ बोला ना बोले कोई ओदी अपनी मर्जी है। महफिल ही मुक गई इस्लामाबाद जी 62 इस जुमले थे, मैं नहीं पता कौन बोले कौन न बोले, खबरदार सबसे छोटा जाकिर हूँ हुसैन बादशाह का, किसी मातमी की जूती तले लिखा हुआ है शौकत रजा शौकत, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ कैमरे लगे हुए, हुसैन का मुकाबला करने के बारे में कभी ना सोचना, हुसैन वो है जिस जैसा उसके घर में भी नहीं है। सलामत रहें आप, सलामत रहें, शाबाश शाबाश, हो जीरो, हो गाजी इस्तान देने, सदा जिए सदा जिए, आप जिए आप सलामत रहें। आपकी क्या बात, आपके सुनने की क्या बात। फिर मैं स्टोकी गल कर देनी देख ले, फिर चला, फिर मैं इससे आगे पढ़ने लगा हूँ। और इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, कब्र तक नहीं मैशर तक, जन्नत के दरवाजे तक मैं उस बंदे का मकरूज रहूँगा जिसे मेरी बात समझ आ गई। वो बोल पड़ा, ऐलान कर रहा हूँ 14 में से अकेला हुसैन है 13 रोज जिसकी ज़ियारत करने आते। क्या हुआ? चलो जिस गरीब को समझ नहीं आती उर्दू ओने को निकाह खान को दाद मंगे, जिन समझ आती हो बोले मेरे नाम। बीबी आपको इज्जत है, आप क्यों नहीं बोले? आपसे मुझे तवक्को थी। मौला इस तरह देश जिंदा रहे। कमरान मुझे घबराहट है कि अल्लाह न करे मैं अगला जुमला कहूँ और ये चुप कर जाए। आप जुमला मेरे यहाँ आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। बाबा जी तुसी मेरे गरीब खाने से तशरीफ लाए हो 4-5 दिन पहले, मैं नहीं मिलया, मेरा कोई भरा मिल गया, मेरा कोई भाई मिल गया, मेरे बुजुर्ग मिल गए, मेरा कोई अजीज मिल गया। यही होता है भाई यार, चलो शौकत नहीं भी मिल गया तो डॉक्टर शफका साहब मिल गए, भाई हशमत मिल गए, कामरान नहीं मिला तो राजू मिल गया, बाबा नवीद शाह जी नहीं मिले तो उनका बेटा मिल गया, एहसान नहीं मिला तो कामरान मिल गया। बंदा बंदे दा दारू होता है, बंदा बंदे दा बदल होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल, चल जाए मेरी आंख अगर मैंने आंख से न पढ़ाओ। हुसैन के नाना ने कहा मंजारा कब्रल हुसैन का ना का मंजारा नहीं वजार अल्लाह, जिसने हुसैन की कब्र देख ली वो समझे उसने नबी भी देख लिया। चेहरा
क्या बात है बादशाह, तुहाडे सुनन दी क्या बात, तुहाडे बोलन दी क्या बात, क्या बात। नहीं देखा सिर्फ कब्र हुसैन, नहीं सिर्फ कब्र मंजारा कब्र अल हुसैन, ये इज्जतें सिर्फ हुसैन को मिली है। मेरे मेरे सादिक इमाम माजरत के साथ इसे जरा तसल्ली से सब जुमले को पढ़िए, इसका लुत्फ किसी ने नहीं लिया। अल्लाह अकबर, इसे जरा समझा के मंजारा कब्र अल हुसैन काना का मंजारनी वजार अल्लाह, जिसने कब्र हुसैन देख ली वो समझे उसने नबी की जियारत भी कर ली, जली की जियारत भी कर ली। क्यों? हुसैन मोहम्मद का पैकर भी है, खुदा का मजहर भी। शाबाश, ये मुश्किल जुमला था, तेरी बड़ी मेहरबानी, ये मुश्किल काम था। इस जुमले पे बोला है जो बंदा वो मेरा सलाम वसूल करे। हुसैन की कसम में उस बंदे ने खरीदा है मुझे, आप खोता मेरा लाल भाई इस पे जो आया था, खुदारा मदद करो हम लोगों की। शाबाश, फराज साहब हो तो छेड़खानी रही है। अगर आप सैयदादे हैं, आप अगर आप शौकत रजा शौकत के साथ वादा करें भाई मैं आपकी मदद करूंगा, फिर एक जुमला मैं आज और भी पढ़ दूं, है इजाज़त? मेरा सादिक इमाम फरमाता है किसी बंदे को खबर हो जाए उसकी ज़िंदगी के दिन 18 साल 2 महीने 2 दिन हैं, वो 18 साल 2 महीने 1 दिन गुजार के कुब्बा हुसैनी के नीचे आ जाए, होटल नहीं, सराय नहीं, करबला का बाजार नहीं, खरीदो फरोख्त नहीं, हुसैन के रोजे की छांव तले आ जाए, मैशर तक जिए उसे मौत नहीं आए। क्या हुआ? ठीक है, कुछ लोगों को नहीं भी समझ आ रही, इन्हें समझ आ रही है वो तो एहसान करो यार। गया मैं, सिमट गई मेरी गुफ्तगू। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये मेरी कौम सलामत रहे, ये मेरे बच्चे सलामत रहे। शाबाश मेरे बच्चों, हाथ उठाया करो, बोला करो मेरा लाल, मदद किया करो मुश्किल बातों पे। मुस्तकबिल तारीख हो रहा है मेरा, खुदारा खुदारा मेरी मदद करो, बोला करो ऐसी बातों पे। करोड़ शौकत कुर्बान कर दूं इस एक जुमले के हुस्न पे। क्या कहने, जल्दी जल्दी तेरी मेहरबानी यार, नहीं ऐसे मैं पढ़ नहीं सकता। की कहता चलिए, अच्छा जी हाजी कमर साहब कौन है जी? उनको बाहर बुला रहे हैं, वैसे इस वक्त तो ढेर सारे कमर होंगे लेकिन हाजी कमर, इस कमर ने हज किया, इस कमर ने हज भी किया हुआ, आप बाहर बुला रहे हैं, आप शम्स बुला रहा है आपको, जाए शम्स को कमर हो जाएगी, कमर के निकलने का वक्त हो गया ना शम्स को। हाँ सलामत रहो, सदाबाद हो गया हूँ, कोई तेन आख्या भी तो तैयार नहीं आके दस, ठीक है तेरे अगले बंदे दसण तक मैं उंझ ही चले जाना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ बात समझ आई, क्या कहा मैंने, मैशर तक जिए उसे मौत नहीं आएगी। इमाम हुसैन के पुत्रां की कसम है मैं उसके सिर पर आ जाऊँगा जैसे सिर हलाया, या मैं दाद ना दई या मुँह नाल बोली हाथ नाल बोली। अली भाई माजत एक बार फिर, आप जैसे इज्जतदार भाई को मैंने तकलीफ दी यहाँ तक आने में इस एक जुमले के लिए, मेरा दिल था मैं ये जुमला आपकी नज़र करूँ, आप पता नहीं कितने दिन इसका मजा लेते रहेंगे। बंदा खड़ा हो गया, ले माँ क्यों मौत क्यों नहीं आएगी, फरमाया बैठ जा, मौत शक्ति का नाम है, शक्ति का फरिश्ता कब्र हुसैन में आती है। मेरा पुत्र जी मामा इमरान था, थकना नहीं, मौके ही थक रहे हैं, मेरी गल मौके ही मेरी गल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने, दरूद पढ़ दे मिलके बुलंदा, ला शक फी है
لا ریب فیہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھو بادشاہ کے نام پہ. کیا ہو उधार रह गया. چلو مولا قبول فرمائے. ولایت کی اڑانیں ہو رہی ہیں, ولایت کی اڑانیں ہو رہی ہیں, معطر سب زبانیں ہو رہی ہیں. علی کے لاڈلے بیٹوں کا صدقہ خدا کے گھر جانے ہو. شاباش 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 شاباش. ہزاروں دن جیو, ہزاروں دن جیو. یہ ہاتھ اونچا رہے, یہ چہرے شاداب رہے, شگفتہ رہے. تسی جیو. پانچ قطعات بابا جی, پانچ قطعات نہیں پانچ شیر. یا علی مدد, راضی رہیے گا. قرض رہ گیا آپ کا. یہ اتنے سارے ذاکرین کے ہوتے ہوئے نا, ذاکری کچھ قواعد کا نام ہے, کچھ اصولوں کا نام ہے. مولا تین استعمال شکر تیمی آخیا میں راضی. قرآن دی قسم تین راضی کردیا کردیا ذاکروں دے پنجا پنجا سال لگ گیا. مقدروں کے سکندر نماز پڑھتے ہیں. جنت میں لے آئے ہو یار مجھے, اور کروڑ بار شکریہ ہو میرا بچہ, کروڑ بار تیرا شکریہ. یہ میرے بچوں شاباش. مقدروں کے سکندر, کیوں بھائی مشکل پڑھ رہا ہوں میں, پھر بولنا. مقدروں کے سکندر نماز پڑھتے ہیں, جگا کے اپنا مقدر نماز پڑھتے ہیں. ردیف تجھے بولنی چاہیے تھی. جگا کے اپنا مقدر نماز پڑھتے ہیں. مقدروں کے سکندر نماز پڑھتے ہیں. ایک کام شروع کر دیتا سو. جگا کے اپنا مقدر نماز پڑھتے ہیں. واسطہ تجھے حسین کے بیٹوں کا, میری مدد کرے گا وہ بندہ جو اردو سن لیتا ہے. سمجھ کے دست ولایت کو اپنی جائے نماز, بڑے سکون سے اصغر نماز. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. سمجھ کے دست ولایت کو اپنی جائے نماز. آ جاؤ آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ. سمجھ کے دست ولایت کو اپنی جائے نماز, بڑے سکون سے اصغر نماز پڑھتے ہیں. بڑے سکون سے اصغر نماز پڑھتے ہیں. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بڑے سکون سے اصغر نماز پڑھتے ہیں. باقی دیر ندیم ادار دین دیں ہیں. بڑے سکون سے آنا تھی نہیں. بڑے سکون سے اصغر نماز پڑھتے ہیں. بڑے سکون سے اصغر نماز پڑھتے ہیں. علی بھائی گنگا ہے وہ بندہ جو مجلس حسین میں چپ کر گیا. میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہاتھ میں زنجیر بھی نمازی ہیں. یہ ماتمی کی کمر پر نماز. میری مجال ہے غازی استانین. ہمارے ہاتھ میں زنجیر بھی نمازی ہیں. میں بسم اللہ کر
मैं बिस्मिल्लाह कर, हमारे हाथ में जंजीर भी नमाजी हैं, हमारे हाथ में जंजीर भी नमाजी हैं, ये मातमी की कमर पर होइए। इस तरह नहीं होता, ये अपने हाजिर जना आपको इज्जत है। खैर खैर खोल पढ़ते पढ़ते चुप हो गया उनकी आवाज़ सुन के।
मुअज्जिन की आवाज़ सुन के मैं एहतरामन चुप हो गया। जैसे उनकी आवाज़ मुझ तक आ रही है, वैसे मेरी आवाज़ भी उन तक जा ही रही होगी। मैं उनसे एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जो आज़ान दे रहे थे मुअज्जिन साहब, उनसे कह रहा हूँ अपनी ज़ुबान के लफ्ज़ भी तोलो के शुक्रिया, असरार बंदगी के भी खोलो के शुक्रिया, और देकर अजान जाने लगो जब मुअज्जिनो जाते हुए हुसैन से बोलो के शुक्रिया। मिंबर अपने बात पढ़ने वालों के हवाले, जिंदगी बाकी, मुलाकातें बाकी। नाज करते देखा है मैंने बाबा अलीदा शाह जी, बंदों को बाबा नवीद शाह नदीम मिर्जा, मैंने नाज करते देखा है। मैंने शाही मस्जिद नमाज पढ़ी है, मैंने कलंदर के दरबार पे नमाज पढ़ी है, मैंने दाता दरबार नमाज पढ़ी है, मैंने करबला पाक नमाज पढ़ी है, मैंने नजफ जाके नमाज पढ़ी है, मैंने मक्का शरीफ में नमाज पढ़ी है, मैंने मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी। शौकत कह रहा है पढ़ो पढ़ो के मुसल्ले बड़े बड़े देखे, हुसैन पूछते नबी पर नमाज। अल्लाह अकबर, अल्लाह यार, मैं समझा थक गए बंदे, तो यार सलाम है तेरे सुनने को, सलाम है तेरे बोलने को। ना हुसैन इल्ला हुसैन, फिरा को हुसैन कोई नहीं सिवाय खुद हुसैन। अल्लाह इस्ता दे, हुसैन पूछते नबी पर नमाज पढ़ते हैं, हुसैन पूछते नबी पर नमाज पढ़ते हैं, हुसैन पूछते नबी पर। न मैं थक गया न मैं भूल गया, मैं ये भी जानता हूँ शायद इस शेर की दाद न मिले। अली भाई शेर इतना मुश्किल है कामरान, मैं जानता भी हूँ शायद इसकी दाद न मिले, फिर भी मैं शेर पढ़ने लगा हूँ। कोई तो बोलेगा, अब न भी बोले तो घर जाके सोचेगा इमरान शाह शौकत ने कहा क्या है। जली अली के उलव में कहीं न छुप जाए, कहाँ मरूँ क्या करूँ, कराची रह लूँ क्या करूँ, छोड़ दूँ पाकिस्तान किधर चला जाऊँ। चली अली के फिर अली नाराज होता है, तू लड़ता क्यों है, तू दाद क्यों मांगता है, मैं कहाँ मरूँ। मैंने कहा चली अली के उलोग, उलोग कहते हैं परंदी को, चली नहीं आता उसे मैंने सुनना जो चुप कर गया। चली अली के उलोग में कहीं ना छुप जाए, इसी ख्याल से हैदर नमाज। आखिरी शेर जा रहा हूं मैं, जली अली के उलों में जो ऐलान किए मैंने, जिया तो जरूर आऊंगा। जली अली के उलों में कहीं न छुप जाए, इसी ख्याल से हैदर नमाज पढ़ते हैं और जो ले रहे हैं तशहुद में नाम हैदर का, वो कायनात से बेहतर नमाज।